ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह हमें शक्ति दे ताकि हम निर्दोष नागरिकों पर बार बार हो रहे हमलों से देश को बचा सके। हमें एकजुट बन करके इन आतताई शक्तियों को करेंगे। जिस विषय को लेकर के आज कुछ चर्चा करने की मुझसे बात हुई है दुनिया की अनेक जातियां समाज परंपराएं नष्ट हो गई है। काल के प्रभाव में वो खो गए। क्या कारण है कि हमारी अस्थि मिटती है? वो कौन सी शक्ति है जिसने हमें आज भी विश्व में सिर्फ जी रहे हैं ऐसा नहीं है, हम आज भी रिलेवेंट हैं। क्या जीवन के किसी भी क्षेत्र की ओर न देखें, हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी व्यवस्था विकसित की है, ऐसे विचार को विकसित किया है जो हमें निरंतर शक्ति भी देता है, प्रेरणा भी देता है। दुनिया में बहुत से समाज ऐसे होते हैं जो रूढ़ी और परंपराओं से निकलने का सामर्थ्य नहीं रखते। हमारे समाज की विशेषता देखिए, यही समाज था किसी युग में सती प्रथा को बहुत ही गौरव के साथ दुहाई देता, लेकिन यही समाज की विशेषता थी कि उसने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने ऐसी परंपराओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इन परंपराओं को खत्म करवाया और समाज को नई चीज दी। यानी ये अपने आप में एक शक्ति है कि कभी कभी समय चलते बुराइयां आती हैं, लेकिन वो समाज ज्यादा दे सकता है जिसके भीतर से बुराइयों के खिलाफ लड़ने की ताकत खड़ी होती है। दुनिया में इस प्रकार की रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इनबिल्ट जहां नहीं होती है, ऑटो पायलट रिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं होता है जिस सोसाइटी में, वे काल बाह्य हो जाते हैं, इरेलेवेंट हो जाते हैं। हम ही लोग जो किसी समय जात पात जाति व्यवस्था को बहुत बड़ा महान चीज मानते थे, उस समय में वो
800 साल पहले एक नरसिंह मेहता का जन्म हुआ था, जो उच्च नागर ब्राह्मण परिवार का बेटा था और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ा, समाज ने उसको अपने समाज से बाहर निकाल दिया, लड़ाई लड़ा 400 साल में, और खुद दलित बस्ती में जाना, दलित बस्ती में भजन कीर्तन करना, ये जो हमारे समाज की ताकत है, समय समय पर ऐसे विचार और ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म देना जो काल बाह्य व्यवस्थाओं को दूर करते जाते हैं और हमें कायाकल्प के साथ नए रंग रूप के साथ उभारते हैं। हम नित्य नूतन होते जाने वाले समाज, हम पुराने ढर्रे में पड़े रहे हुए सोसाइटी नहीं है। ये हमारी जो छवि बनाई जा रही है वो गलत है, और दुनिया में कोई समाज ऐसा नहीं है कि जो अपने भीतर की कमियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को टॉलरेट करता है। विश्व के किसी समाज को देख लीजिए, उस समाज में जो भी कोई रिफॉर्मिस्ट पैदा हुआ है उसका हाल क्या हुआ है। यानी विज्ञान की बात करने वालों को तबके को फांसी पर चढ़ाने की घटनाएं दुनिया जानती है, मैं उल्लेख करना नहीं चाहता कि किसी ने विज्ञान की बात कही और विज्ञान किसी की मान्यताओं से अलग था इसलिए उसको फांसी पर लटका देने की बात तक कर दी। लेकिन हम ही लोग जो किसी भी विचार को स्वीकार करते थे, दुनिया में एक शब्द को लेकर के भाव वाहवाही होती है, बड़ा ब्रांडिंग होता है, बड़ा मार्केटिंग होता है, और वो शब्द है टॉलरेंस। फलाने तो बहुत टॉलरेंस है, उनकी सारी परंपरा में टॉलरेंस से सबसे बड़ी बात ऐसा कहा जाता है। हम भी सुनते और काफी कभी कभी उनको बड़ा ही, मैं किसी का आलोचना नहीं करता हूं, मैं एक एनालिसिस कर रहा हूं। क्या यह ठहराव नहीं है? कभी कभी हम भी अपने जीवन में छोड़ो यार, अपना कली टॉयलेट करो यार, यही है ना, है टॉयलेट। मित्रों, हम उस विचार में पनपे हैं, पले हैं, बड़े हैं, जो टॉलरेंस पर आकर के अटक नहीं जाते। हमारी सोच कहती है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की कोशिश करो, सिर्फ जेलो मत। इतना ही नहीं, आगे हम कहते हैं रिस्पेक्ट करो, आपसे भिन्न विचार होगा, अलग सोच होती, आदर करो, और वही तो प्रगति का आधार होता है। लेकिन विश्व के बहुत सारे समाज ऐसे हैं कि जहां टॉलरेंस का उपदेश तो होता है लेकिन दो दो विश्व युद्ध के जनक भी वही होते हैं। विश्व को दो युद्ध झेलने पड़े लेकिन फिर भी हम अपने लिए गर्व नहीं करते, फिर भी हम अपने लिए ऐसा महसूस करते हैं हम कुछ समाज में कुछ बोझ बन चुके हैं पृथ्वी पर, ऐसा कभी कभी भार लेकर देते हैं। दुनिया में एक सोच की बड़ी तारीफ होती है, लीव एंड लेट लीव, आप भी बोलते होंगे, आप भी जिस बैकग्राउंड में पढ़े लिखे होंगे शायद आप भी इन शब्दों का बड़ा गर्व करते हो, जियो और जीने दो। और जो ये कहता है उसको दुनिया में बहुत बड़ा महान माना जाता है, लेकिन जियो और जीने दो एक ठहराव है, मुकाम हो गया है, एक पड़ाव हो गया। हम उस परंपरा और संस्कृति के संतान हैं जो यहां ठहराव नहीं है, जियो और जीने दो वहां मुकने वाली परंपरा के विरासत के संतान नहीं है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम वो लोग हैं जो कहते हैं जियो
जीने दो, और जो जी नहीं सकता है उसको जीने के लिए आप सहायक हो। मेरे यहां गुजराती में शब्द है जीवो अने जीवाड़ो, अरे उसको जीने के लिए सहायता करो। मैं भी जियो, तुम भी जियो, मैं भी मौज करूं, तुम भी मौज करो, नहीं मैं मौज करता हूं तो मैं भी कोशिश करूं, तुम भी मौज करो। हम कुछ कदम आगे हैं क्या? हमें इस बात की तरफ ध्यान है क्या? हमें गर्व है क्या इस बात का? कितनी बड़ी महान विरासत के हम संतान हैं, जो दुनिया के हर विचारों से आगे हम कुछ दे सकते हैं। हम ही तो लोग हैं दुनिया के अंदर भिन्न विचार के लोगों को फांसी के तख्त पर चढ़ाए जाने की सैकड़ों घटनाएं, लेकिन ये देश ऐसा है कि जिसकी फिलोसफी रही तेल तत्तेल भूजी था, त्याग की फिलोसफी रही, लेकिन इसी देश में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जो काल मार्क्स से भी 100 कदम आगे चला गया था और जो कहता था ऋण कृत्वा घृतम प्रवेत, वो कहता था अरे कर्ज करो घी पियो मौज करो। अरे इतना बड़ा वो अर्थ केंद्री भोग केंद्री विचारधारा को लेकर के इस देश में आया जो कहता है ये सब बेकार है, कोई जन्म के बाद कोई स्वर्ग मिलता है सब झूठ है, बेकार है, यही है आओ खाओ पियो मौज करो, यहां से गए तो फिर क्या है दुनिया, कुछ नहीं रखा। ऐसे बहुत लोग होंगे जो होते हैं, ये हमारे देश में सब थी और काल मार्क्स से भी बहुत पहले थी, लेकिन ये देश ऐसा था उसको भी ऋषि परंपरा मिल गया जो इस धरती के विचारों से बिल्कुल मेल खाने विचार विचार नहीं। उसके बाद भी इस देश ने उसको ऋषि परंपरा का एक हिस्सा बना, यानी नाउ टॉलरेंस ही नहीं सिर्फ एक्सेप्टेंस भी नहीं सिर्फ रिस्पेक्ट तक की ऊंचाई तक ले जाना, ये इस देश की विरासत है। पूरे विश्व को हमारा एक बहुत बड़ा नजराना रहा परिवार नाम के इंस्टीट्यूट फैमिली, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा अजूबा है। और हमारे जीने की परंपरा और ताकत के मूल में ये फैमिली नाम के इंस्टीट्यूशन जिसमें भी हमारे पूर्वजों ने इसको विकसित किया होगा, कितनी बड़ी भेंट सौगात है। आज भी पूरी समाज व्यवस्था के संचालन में परिवार केंद्र बिंदु है, और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जीवन व्यवस्था में परिवार व्यवस्था को अगर अच्छे से अच्छे ढंग से कोई चला सकता है तो मातृशक्ति चलाती है, माताएं बहनें चलाती है। ये हमारे देश की ताकत है, यानी पूरी व्यवस्था के संचालन के केंद्र में नारी शक्ति है, ये हमारे यहां मान्य किया गया है, स्वीकृति है, और इसलिए इन महान परंपराओं के प्रति अगर हमारी श्रद्धा होगी तो हम विश्व की किसी भी आधुनिक बात को पचा सकते हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो मॉडर्नाइजेशन का पक्षकार, हम वो समाज नहीं हो सकते हैं कि जो आज भी 18वीं शताब्दी के अंदर जीने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसी सोसाइटी नहीं हो सकती, ये सोसाइटी बोझ बन जाए। लेकिन मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, अगर ये थोड़ा सा हम बारीकी से कर लें, कभी कभी हमारे यहां मातृभाषा को लेकर के विवाद होता है। मैं इस मत का हूं कि हमारे बच्चों में वो क्षमता होनी चाहिए कि अनेकों भाषाओं को जाने, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे कहीं अटक न जाए, एक ही भाषा के भरोसे उसकी जिंदगी चले,
कहीं सब्जी लेने के लिए घर से जाना पड़े और खाली हाथ लौट आए क्योंकि बोल नहीं सकता था। ऐसा तो हो नहीं सकता जी, क्यों ना हम उसकी विधा विकसित करें, क्यों ना उसका हम गौरव न करें। और कभी कभी मातृभाषा की बात, कुछ लोग अर्थ निकालते हैं कि मां जो बोलती है वो भाषा बच्चा बोले, मतलब मातृभाषा। भाइयों बहनों, भाषा भी संस्कार और संस्कृति की परिचायक है, उसी के माध्यम से संस्कृति और संस्कार पनपते हैं। मैं भाषा का सुंदर तो भाषा के विवाद का पक्षकार नहीं हूं, मैं जब अधिक से अधिकतम भाषा के सीखने का पक्षकार हूं। और मैं तो मानता हूं कि एक जमाना था जो स्पेनिश और फ्रेंच और लैंग्वेज सीखने का जमाना था, वो एरोस्टस कल्चर के लिए जरूरी होगा। अब वक्त बदला है, एशिया अगर 21वीं सदी में लीड करने वाला है तो आपको चाइनीज जापानी जिन भाषाओं पर प्रभुत्व पाना पड़ेगा अगर विश्व के अंदर ताकत बनना है। युग बदलता जाता है, लेकिन मैं उस भाषा के झगड़े के लिए यहां नहीं आया। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाषा एक संस्कार और संस्कृति का माध्यम है, तो क्या कभी हमने उस पर ध्यान दिया है? आप कभी दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे हैं ट्रेन में, सोच लीजिए जाते हैं ट्रेन में पल भर के लिए, अहमदाबाद पहुंचने के समय आप क्या बात करेंगे अपने साथियों के साथ? अगर आप अंग्रेजी में बात करते हैं तो आप कहेंगे आई रीच अहमदाबाद। लेकिन अगर आप भारतीय भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अहमदाबाद आ गया। समझ आता है कल्चर में कितना फर्क है? दो भाषा के, एक में आई है प्रीडोमिनेंटली आई रीच अहमदाबाद, और दूसरी भाषा आपको कहती है अहमदाबाद। भाषा की भी संस्कार करने की ताकत होती है। अगर मैं कहूं कि राधिका तूने बांसुरी चुराई, जो इस भाषा को जानते हैं सब उसका मीनिंग समझ पाएंगे मैं क्या है, उसको पता है इसका क्या भाव है। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा राधिका है स्टोलन द फ्यूचर, आप क्या कहेंगे? गो टू द पुलिस स्टेशन। और इस अर्थ में इस मिट्टी की सुगंध जिसमें संस्कार, उस तरफ क्या कभी हम कभी सोचा है? और इसलिए हमारी जो विरासत है वो हमारी शक्ति भी हो सकती है, और अगर हमारी मूलभूत ताकत बड़ी होगी तो दुनिया की हर शक्तियों को अपने में पनपाने का सामर्थ्य हो जाएगा। लेकिन हम ही हमारी जड़ों से पड़ जाएंगे तो छोटी सी भी हवा का झोंका हमें ध्वस्त कर सकता है, और इसलिए हमारी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। और जड़ें मजबूत होती हैं हमारे इतिहास से, हमारी संस्कृति से, हमारी परंपरा से, हमारे मूल्यों से, हमारी विरासत से। और समय में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। विश्व का हर समाज एक बात ऐसी है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, विश्व का हर समाज, और वो होती है मृत्यु के बाद की स्थिति। मृत्यु पर उस समाज की सोच और मृत्यु के बाद के विषय में उसकी सोच, उसमें वो बदलाव करने का कोई साहस नहीं। अगर उसके दिमाग में फिट है कि जब तक जमीन में गाड़ दिया नहीं गया, जब तक उस पर ईंटों का स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, उसको मोक्ष मिलने की संभावना नहीं है, उसमें से वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। पूरे विश्व का अध्ययन कर ले सारे सोशलिस्ट समाजशास्त्री लोग, एक ही समाज ऐसा है कि जो किसी जमाने में मानता था
कि मृत्यु के बाद गंगा किनारे अग्नि संस्कार होगा तभी मोक्ष मिलेगा। समय चलते उसको लगा, उसने बदलाव किया, किसी भी नदी के किनारे अगर अग्नि संस्कार हो जाएगा तो मोक्ष मिलेगा। फिर बदलाव आया, वो सोचता था चंदन की लकड़ी से जब तक जलता नहीं है तब तक मोक्ष संभव नहीं है। धीरे धीरे करके बदलाव ये आया, किसी भी लकड़ी से जलने को तैयार हो गया। फिर बदलाव आया, कभी कभी तो बारिश होती है तो साइकिल के टायर पे लगा करके जलाते हैं, उसको मोक्ष मिलता है। और बदलाव यहां तक आया कि उसने विज्ञान के साथ जुड़ करके इलेक्ट्रिकल संस्मान गुरु आ गए, विद्युत स्मशान गुरु आए, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। ये बदलाव दुनिया में कोई समाज नहीं कर सकता है, जो हम लोग करते हैं। इस देश की ताकत है मित्र कि हम परिवर्तनशील समाज है, और परिवर्तनशील समाज जो होता है वही दुनिया को कुछ दे सकता है। जहां ठहराव होता है उससे स्थितियां बदलती नहीं जाती है, लेकिन कभी कभी किस प्रकार की सोच होती है। पुरानी एक कथा हमने सुनी थी कि एक परिवार में शादी थी, महाराज जाने वाली थी, तो घर की जो बुढ़िया थी उसने बच्चों को कहा वो बिल्ली को पकड़ के इस टोकरे के नीचे रख दो। तो छोटे नौजवान बच्चे थे घर में, वो बिल्ली को ला करके टोकरे के नीचे रख दिया, फिर बाहर आ गई। अब ये बहू ने देखा था उस घर में 30-40 साल के बाद कोई शादी का अवसर आया, वो बहू अब बूढ़ी मां बनी थी, वो नौजवानों को कहती बिल्ली खोज के ला। क्यों? बोले दादी माँ ने रखी थी टोकरी के नीचे, लानी पड़ेगी ये शादी के समय करना। उस बुढ़िया ने बेचारी ने इसलिए किया था उस समय घर में बिल्ली थी, और बिल्ली कहते थे कि बिल्ली अगर आगे से निकल जाए तो फिर होता, तो थोड़ी देर के लिए रख दी और फिर शादी 12 जाने के बाद उसने निकाल दी। इसको लगा ये रिचुअल था तो ये कहीं से भी बिल्ली ले आओ, और अब जो था बारात 3-5 दिन तक तो भले तो बाहर जाती थी, मारवाड़ी परिवार को 7-7 दिन जाते। जब बारात वापिस आई तब तो वो बिल्ली मर चुकी थी, बदबू आ रही थी। अगर इसी प्रकार से रिचुअल को ढोते रहेंगे तो सिवाय बदबू हम दुनिया में कुछ नहीं करेंगे। समाज में हैरान होंगे आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज भी 21वीं सदी में हमारे देश में कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां शादी अपने कुनबे के बाहर कहीं और हो गई तो पंचायत बैठ करके दंडित करती है। ये हमारा परिवार का खानदान ऐसा और तुम वहां जाकर के शादी कर दी, तुमने तो पूरे परिवार को डुबो दिया, ये होता है आज भी अपने देश में। भाइयों बहनों आपको जानकर के आनंद होगा और मेरी मातृशक्ति को और ज्यादा आनंद होगा, मेरी गुजरात में ऐसी सरकार है कि जो अगर कोई इंटरकास्ट करता है मैं सरकार की तरफ से उसको चेक देता हूं, इनाम देता हूं। देखिए क्या इसका बदलाव है, अगर इंटरकास्ट शादी करके आता है तो मैं उसको स्पेशली राज्य की तरफ से सम्मानित करता हूं। राज्य विदेश का कोई हिस्सा ऐसा है कि जहां ये हो गया तो सर पूरे बार की इज्जत परिवार की मिट गई मिट्टी में, ये सोच करके चलते हैं कितना बड़ा। मतलब तो मेरे राज्य के अंदर कुछ ऐसे चीजें की शायद आपको जानकर के खुशी होगी, हम भूकंप के बाद परिवारों को मकान दे रहे थे, काफी लोगों के मकान ध्वस्त हो गए थे, लाखों के तादाद में मकान बनाए थे। हम एक पहली सरकार है देश में जिसने निर्णय किया कि भूकंप के बाद ये जो नए मकान लोगों को देंगे ये सारे मकान उस परिवार की प्रमुख महिला के नाम देंगे। पुरुष के नाम नहीं देंगे,
किया, अमल किया। प्रोग्रेसिव थिंकिंग से क्या होता है उसका एक उदाहरण और बताता हूं। आप भी अपने बच्चों को जब स्कूल में दाखिल करने गए होंगे ना, आपने भी कुछ सोचा नहीं होगा, माफ करना मुझे। आज भी हम स्कूल में बच्चे को स्कूल में दाखिल करने जाते हैं तो बेटे का नाम लिखते हैं, बाप का नाम लिखते हैं, जरूरत पड़े तो दादा का लिखते हैं, सरनेम लिखते हैं, और जैसे कुछ नहीं हो हम चले आते हैं। मेरे मन में सवाल उठा, माँ का नाम क्यों नहीं था? बच्चा स्कूल दाखिल होता है, माँ का नाम क्यों नहीं? सबसे ज्यादा कष्ट किसने झेला है? क्या सिर्फ बाप की बदौलत ही सब दुनिया चलती है क्या? और मेरे राज्य ने कानून बनाया है कि बच्चे को स्कूल में जब दाखिल करेंगे, बाप का नाम लिखना न लिखना आपकी मर्जी, मां का नाम लिखना कंपल्सरी है। बच्चे के साथ मां का नाम आज मेरे स्कूल में लिखा जाता है। एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन की बात हो रही है जी। हमने एक कानून और बनाया, ये कानून ऐसा बनाया, सामान्य तौर पे रहिशी घरों में भी इनकम टैक्स बचाने के लिए कुछ व्यवस्था करते हो तो अलग बात, अदरवाइज परंपरा से संपत्ति पुरुषों के नाम पर, खेत होगा पुरुष के नाम पर, गाड़ी होगी पुरुष के नाम पर, बंगला होगा पुरुष के नाम पर, महिला के नाम पर कोई संपत्ति नहीं। और जब कोई दुर्घटना घटती है तो विरासत में भी महिला साइड में रह जाती है, पुरुष नाम की चीज है वहीं पर वो परकुलेट होता रहता है। ये जो जिस जगह जब मेरे आयन ने कानून बनाया और लोगों को प्रोत्साहन किया कि अगर आप संपत्ति महिला के नाम से लेते हैं तो मैं स्टैंप ड्यूटी माफ कर दूंगा। और उसके कारण मेरे राज्य में आज लाखों की तादाद में जो भी प्रॉपर्टी परचेज हो रही है वो महिलाओं के नाम पर हो रही है, और उसके कारण यानी हम चीजों को बदल सकते हैं, छोटी छोटी चीजों के अलावा परिवर्तन लाया जा सकता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम कभी आंक नहीं सकते गांव की महिलाओं में सामर्थ्य कितना होता है, कभी उनको कम मत आता। पिछले हफ्ते मैंने मुझे सौभाग्य मिला एक गांव की महिला का सम्मान करने का, वो डेयरी उद्योग में है। डेयरी उद्योग यानी जो आप इंडस्ट्री कहते हैं वैसी कुछ नहीं, वो बेचारी अपने घर में गाय भैंस रखती हैं, उनको पालन पोषण करती हैं और दूध बेचती है, बिल्कुल गांव की महिला है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं है। आपको जानकर के हैरानी होगी उसको हमने इनाम इस बात का दिया कि पिछले साल उसने 76 लाख रुपीज का दूध बेचा था, 76 लाख रुपीज का दूध बेचा था। क्या सामर्थ्य होगा भाई, पढ़ी लिखी नहीं है महिला। हम एक सखी मंडल से हमारी योजना चलती है करीब 20-25 लाख गांव की गरीब परिवार की बहनें उस काम में जुड़ी। और गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट जिसने एक नया एक डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा किया है जिसमें विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, गवर्नमेंट, एनजीओस एंड कॉर्पोरेट हाउस चारों को जोड़ करके हमने एक स्कीम बनाई है, मिशन मंगलम करके हमने एक लिमिटेड कंपनी बनाई है, और जिसके हम इन चारों लोगों को उसमें हमने जोड़ा है। एनजीओ के माध्यम से उनकी प्रोफेशनल हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं, गवर्नमेंट एक कैटलिक एजेंट के रूप में इन चीजों को प्रमोट करती है, कॉर्पोरेट हाउसेज उनकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको रॉ मटेरियल देना और स्किल डेवलपमेंट के काम को एनजीओ को मदद करना, और उन जो 11 महिलाओं के मंडल हैं करीब 25 लाख महिला हैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोडक्शन करते हैं उसको मार्केट करने का काम कॉर्पोरेट हाउस करता है। इस काम को मैंने पिछले 2.5 साल से शुरू किया है। इन गांव की
महिलाएं जिसमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षित कोई है तो पांचवी कोई सातवीं कक्षा की है, बिलो पॉवर्टी लाइन की महिलाएं हैं, 25 लाख के करीब बहने काम कर रही हैं, आज उनका टर्न ओवर है, उनके पास हमने फाइनेंशियल मदद की है 1000 करोड़ रुपीज। उसका टर्न अराउंड होता है करीब करीब 25,000 करोड़, और विद इन टू ईयर्स मेरा टारगेट है 5,000 करोड़ रुपीज। Can you imagine? गांव की गरीब महिलाओं के हाथ पर 5,000 करोड़ रुपया होता है, क्या परिवर्तन। और विमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या हो रहा है, आमतौर पर एक फंक्शन होगा, महिला बेचारी दिया लेकर के बात करती होगी, कहीं फंक्शन होगा तो रंगोली सजाती है, कोई फंक्शन होगा तो स्टेज कंट्रोल करती होगी, एम्पावरमेंट का मतलब होता है वो डिसीजन मेकिंग में उसका रोल होना चाहिए, और परिवार में भी महिला का डिसीजन मेकिंग में रोल तब आएगा जब वो इकोनॉमिकली साउंड व्यवस्था में खुद, अगर वो डिपेंडेंट है हर चीज में तो उसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। बड़े से बड़े रजिस्ट्री घरों में भी हाईली क्वालिफाइड फैमिली में भी जब बातचीत चलती है तो सब कहते हैं अरे मम्मी तुम अंदर बैठ, वो आप लोग एक्सपेक्ट करते होंगे स्थितियों को बदलना चाहिए, और हमारा देश है जो कर सकता है, हम चीजों को बदल सकते हैं, क्योंकि हम लोग हैं जो नित्य नूतन प्रवाह को पकड़ने का साहस रखते हैं, हम वो लोग हैं जो अपने आप में बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को स्वीकार कर करके आगे बढ़ने का सामर्थ्य रखते हैं। विश्व के अंदर कभी कभी हम ही लोग, ये जो ह्यूमनिस्ट टाइप लोग होते हैं और उनकी जो आंदोलन होते हैं उसकी चर्चाएं करते हैं। हमारे देश में महाभारत काल से अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसी जुडिशियल सिस्टम नहीं थी जिसमें लेडीज का वॉइस ना हो, व्यवस्था ही नहीं। अब देख रहे पूरा शास्त्र पढ़ लीजिए, उसमें 5 लोगों की कोई टीम होगी तो उसमें एक महिला बैठ करके अपनी आवाज सुनाती थी, कहती थी ऐसा करो ऐसा ना करो, ये परंपरा थी। हमारे यहां फिर भी हम कहते हैं नहीं भाई कोई एक बातें उठा लेंगे कि नारी के लिए ऐसा कहा गया था फलानी जगह पे, और हम रोते रहेंगे, दुनिया के लोग भी हम कहेंगे अरे यार आप यहाँ महिलाओं के लिए स्वतंत्र नहीं, आप क्या शादी पति पिता तक तय करते हैं, ऐसे सवाल पूछ करके हम लोग को भेजते रहते थे, और हम भी सोचते हाँ यार ये तो बहुत फॉरवर्ड है, हम बहुत यही सोचते थे। कभी कभी मुझे लगता है आप यहाँ पर चांदनी चौक का हमारे यहाँ कॉनॉट प्लेस पे जाइए, कॉनॉट प्लेस पर फुटपाथ पर लोग माल बेचते हैं, उसमें ज्यादातर मेरे गुजरात के बच्चे आपने देखा होगा, और वो उस कम्युनिटी से हैं जो कुल मिलाकर हमारे यहाँ मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी का हिस्सा माने जाते हैं। अब उनके हाथ में आप सिगरेट देखते हैं, देखा होगा वो किसी भी भाषा में कस्टमर आ जाए उसको अपने जो भी उसको आता है वो अपना माल बेच कर करके अपने देता है। यानी ये स्ट्रेंथ हमारे यहां है, हम उसकी पूजा करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। भारत में महिलाओं के प्रति सोच इसमें विश्व में दुनिया में ऐसा भ्रम फैलाया गया है, आज भी विश्व के प्रगतिशील देश अपने नेता के रूप में महिलाओं को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दुनिया के कई देश हैं, ये एशिया का कैरेक्टर देखिए, यहां के सभी देशों को हिंदुस्तान के मूलभूत विचारों का, चाहे बुद्धिज्म हो या कोई भी हो, इसी का प्रभाव है एशिया के पूरे इलाके में, और उसका परिणाम देखिए, इंडोनेशिया जाइए तो वहां महिला नेता मिलेगी, श्रीलंका जाइए महिला नेता मिलेगी, बांग्लादेश जाइए महिला नेता मिलेगी, पाकिस्तान जाइए महिला नेता मिलेगी, हिंदुस्तान जाइए महिला नेता मिलेगी। लेकिन दुनिया के बहुत बड़े मोस्ट मॉडर्न कहे जाने वाले देश, और ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट के जो 100 साल जिनके हो गए, वे आज भी
महिला लीडर को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो पिछले चुनाव में अपने दुनिया में देखा है। हम वो लोग नहीं है, लेकिन फिर भी हम गड़बड़ नहीं करते। हम ये सोच रहे हैं आप कुछ गड़बड़ है अपने यहाँ, क्योंकि किसी ने आकर के कह दिया? आपने कभी दुनिया के किसी समाज के लोगों से चर्चा की है? मैं माताओं बहनों को पूछना चाहता हूं, आप मेरे एक सवाल को गौर कर, दुनिया में इतने सारे परंपराएं हैं, हो चाहे अंबा माता हो, चाहे कालका माता हो, चाहे दुर्गा माता हो, हम ही लोग हैं दुनिया में जिन्होंने स्त्री भगवान की कल्पना की, इससे बड़ी कौन सी सोच हो सकती है? और आप अब सोचोगे हमारे भगवान की कल्पना है तो कितनी परफेक्ट मिनिस्ट्री हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, और सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो महिलाओं के पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री लक्ष्मी, एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती, होम मिनिस्ट्री कालका दुर्गा। आप देखिए, कभी सोचा है कितना बड़ा सामर्थ्य था हम लोगों के पास? कभी हम गर्व करें अपने बापों पर, आनंद होगा। आप देखिए, जिस समय रामायण टीवी सीरियल चलता था, कितना ही बड़ा परिवार वेस्टर्नाइज फैमिली था, लेकिन उस रामायण सीरियल का इम्पैक्ट इतना था कि डाइनिंग टेबल पर जब परिवार के लोग बैठते थे, बच्चा कहता था पिताश्री, बापश्री आप खाने पे आइए, मातोश्री आज क्या हुआ, घर में डायलॉग चलता था कि चलता था? मित्रों, सहज रूप से हमारी पुरानी परंपरा को किस प्रकार से हम लोगों ने अडॉप्ट कर दिया उस काल में, उसका इतना इम्पैक्ट था। हर घर में इन अच्छाइयों की चर्चा होती थी, इन बातों को स्वीकार किया जाता था, लेकिन आज पता नहीं शब्दों को कहां से कहां ले गए। मां शब्द की ताकत क्या होती है? मैं देखा मां क्या, मां की शक्ति के रूप का मैंने अंदाज किया है, और मां किस प्रकार से बच्चों को परिवार को संस्कार देती है। मेरे बचपन में मेरे सिलेबस में एक पाठ आता था पढ़ाते थे टीचर, आज भी मेरे मन पर वो प्रभाव पड़ा। शायद पांचवी या छठी कक्षा में उस हमारा लेसन था, यहां उत्तर के इलाके में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने बचपन में पढ़ा है और मेरे मन पर आज भी उसका प्रभाव। घटना ऐसी लेखक ने लिखी है कि एक बच्चा स्कूल जाता है तो मां के लिए चिट्ठी लिख कर ले जाता है, और मां को कहता है कि देखो पिछले हफ्ते तुम बाहर गई थी तो छोटे भाई को मेरे पास सौंप करके गई थी, मैंने इतने घंटे उसको केयर किया तो उसका चार्ज इतने रुपये, फलाने दिन तुमने मुझे सब्जी धोने के लिए काम कहा था, मैंने सब्जी धोने का काम किया उसका चार्ज इतना, उस दिन तुमने मुझे फलाना काम कहा था धोबी के यहाँ कपड़ा देने जाने के लिए उसका चार्ज इतना, और उसने पूरा बिल बनाया और माँ के लिए छोड़ दिया। बच्चा स्कूल गया था, माँ की नजर में एक चिट्ठी आई, मां बहुत रोई कि मेरा बेटा हर चीज को रुपयों पैसों से तोलेगा, मेरे संस्कार में क्या कमी रह गई। मैंने उसको पाला पोषा बड़ा किया, क्या कमी रह गई कि उसकी सोच अर्थ के बारे में रह गई। मां बड़ी परेशान थी, दुखी थी, खाना नहीं खा पाए, आंसू सूखते नहीं थे। फिर उसको लगा कि नहीं नहीं बेटे को मुझे समझाना होगा, तो मां ने चिट्ठी लिखी बेटे के लिए, और उसने लिखा 9 महीने तुम्हें मैंने गर्भ में रखा था, तब तुम मुझे क्या क्या झेलना पड़ा था, उसका बिल जीरो। तुम छोटे थे, रात को ऐसा होता था तो मैं ये करती थी, उसका भी जीरो।
तुम्हें कभी उस चीज की जरूरत पड़ती थी, मैं बीमार होती थी, उस चीज को खाने के लिए मैं ये करती थी, बी जीरो। उसने उसको बचपन की कोई 100 घटनाएं लिखी और सामने लिखा जीरो। और नीचे जहां ग्रांड टोटल लगाना था वहां मैंने लिखा था, इसको कहते हैं मां। जो बच्चा घर आया और उसने मां की चिट्ठी को पढ़ा, उसके संस्कार झाग आए और वो दिन भर मां रोई थी, अब बच्चा रोने से रुक नहीं पा रहा था, उसकी चेतना प्रकट हो चुकी थी कि परिवार, समाज, घर, दायित्व, सारे संस्कार एक चिट्ठी में कर दिए थे। ये सामर्थ्य होता है मां का। कभी किसी ने सोचा है कोई महिला अपने घर में अगर कभी नौकर में बाहर गया हो, खूब बाहर गया हो और शायद इत्तेफाक से चपाती बनाने की उसको नौबत आई हो, मैंने इसी वर्ग के लिए कह रहा हूं, और वो पति को अच्छा फुल्का जरा गरम गरम अच्छा लगता है और बनाते बनाते उसमें से भाप निकल आई हो और उंगली थोड़ी छेद दे दो, तो पत्नी इंतजार करती है कि पति देव जल्दी आ जाए और मेरे भाप से चली हुई उंगली को देख वो उसको दरवाजे पर गाड़ी आते ही देख के फूंक लगा फिर आते ही उनके नजर नहीं जाते, पूछते वो धूप कहाँ पड़ी है, वो कहते हैं कि मुझे मेरे ही कपड़ों का मालूम नहीं तो वो धूप कहाँ पड़ी है, बोले क्या हुआ, बोले ये जरा चल गया था, अरे कैसे चल गई, यानी चपाती बनाते समय चपाती की भाप से अगर उंगली जल गई तो जब तक पति देव आकर के देखे नहीं, उस पर फूंक न लगाए तब तक उसको चैन नहीं। ये रूप हमने मां माने का सोचा है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि कोई मां बाजार गई हो, बेटा घर में सोया हो और अचानक उस पूरे इलाके को आग लग गई हो, वो बेचारी भाग गई है, पूरा गांव दौड़ रहा है, 3-4 घर एक साथ जले हैं, कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है, उसको बुझाने की कोशिश करता है और मां दौड़ करके आती है, पता चलता है आग लगी है और देखती खुद के घर को आग लगी है, बेटा अंदर है। वो इंतजार नहीं करती कि कोई मर्द पूछा वाला अंदर जाएगा और बेटे बेटे वो कितनी आग क्यों ना हो वो कूद पड़ती है। जो बाप के कारण जले हुई उंगली के लिए पति का इंतजार करने में इस नारी का असली रूप प्रकट होता है और वो इंतजार नहीं करती, वो कूद पड़ती है अंदर और आग के भीतर जाकर के बच्चे को उठा करके जिंदा या मुर्दा लेकर के वापस आती है। ये नारी की शक्ति होती है, ये उसका इनहेरेंट स्ट्रेंथ ईश्वर ने दिया हुआ। इस सामर्थ्य को हम स्वीकार करते हैं और सामर्थ्य को जब हम स्वीकार करते हैं तब हम दुनिया को बदल सकते हैं। भारत एक महान देश है, हम अपने मूल्यों के आधार पर विश्व को बहुत कुछ दे सकते हैं। दुनिया जिन संकटों से आज घिरी हुई, इन सारे संकटों का जवाब देने का सामर्थ्य हमारी परंपरा में है। उस परंपराओं को निभाना, गौरव करना, एक परिवार के नाते संस्कार सरिता को बढ़ाना, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। मैं भी के मित्रों का आभारी हूं कि उन्होंने ऐसे विषय को